हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अल्फा स्टडी चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, लूसेंट का विज्ञान का सारे क्वेश्चन का कवर कर रहे हैं और लूसेंट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और कृषि विज्ञान को मिलाकर कुल 2500 से प्लस क्वेश्चन है। 2500 से प्लस क्वेश्चन है। अगर आप सारे क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम में, खासकर NTPC और ग्रुप डी में, एक भी साइंस का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अभी फिजिक्स का सेशन चल रहा है, इसमें 210 क्वेश्चन करा चुके हैं। आज जो है 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हम एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे। इसी दौरान आपको अपना आंसर सेलेक्ट कर लेना है और बाद में कॉमेंट बॉक्स में करना है कि आपको 30 में से कितने नंबर आए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है। आपको बताना है कौन वो दो ग्रह है जिनका कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी या बृहस्पति, बुध व शुक्र, बुध व मंगल, शुक्र व मंगल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुध व शुक्र। बुध व शुक्र में कोई उपग्रह नहीं है, जबकि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। बृहस्पति जो है सबसे ज़्यादा इसी में उपग्रह है, इसमें 63 उपग्रह है। और बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह जो है गैनीमेड के नाम से जाना जाता है। और मंगल ग्रह का दो उपग्रह है, फोबोस और डीमोस। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है, ये आपको बताना है। बृहस्पति, मंगल, शनि या शुक्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बृहस्पति। जैसा कि अभी बताया, बृहस्पति में कुल 63 उपग्रह है जो है, इसमें कुल 63 उपग्रह है और सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड के नाम से जाना जाता है। मंगल ग्रह का दो उपग्रह है, फोबोस और डीमोस। और शनि ग्रह के बारे में, ये सबसे हल्का ग्रह है, ये शनि ग्रह का जो है पानी के घनत्व से, इसीलिए ये सबसे हल्का ग्रह शनि कहा जाएगा। और शुक्र ग्रह को भोर या सांझ का तारा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किस ग्रह को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर बताइए बुध, शुक्र, मंगल या शनि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर 88 दिन में एक चक्कर लगाता है, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह या शनि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुध ग्रह। बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे निकटतम है और जो सूर्य से जितना निकटतम होगा उसका परिक्रमण काल उतना ही कम होगा। तो बुध ग्रह सबसे निकट है, इसका परिक्रमण काल 88 दिन होता है। बुध ग्रह के बाद शुक्र ग्रह आता है, शुक्र के बाद पृथ्वी आता है, उसके बाद मंगल आता है। तो यहाँ पे जो है कौन सा ग्रह सूर्य के 88 दिन में चक्कर लगाता है, तो वो जो आंसर हो जाएगा बुध। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किस ग्रह का घनत्व पानी से कम है तथा पानी में डाल देने पर वह तैरने लगेगा, बुध ग्रह, शुक्र, शनि, मंगल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शनि। शनि ग्रह का जो घनत्व है बहुत कम होता है और यह पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए पानी पर डालने पर यह तैरने लगेगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूर्य की सतह का तापमान होता है लगभग, आपको बताना है, 5800 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस, 2000 डिग्री सेल्सियस या 4000 डिग्री सेल्सियस। इसका सही आंसर हो जाएगा लगभग जो है 5800 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूर्य के सबसे निकट तारा है, ये आपको बताना है, बीटा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी, गामा सेंचुरी या प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य का जो सबसे निकटतम तारा है वो प्रोक्सिमा सेंचुरी है और पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूर्य के निकटतम स्थित ग्रह है, तो सूर्य के निकटतम स्थित ग्रह का नाम बताना है, बुध, शुक्र, पृथ्वी या मंगल। तो जैसा कि पहले बताया, जिस सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध जो है, यह सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेपच्यून की खोज किसके द्वारा की गई, ये आपको बताना है, गैले के द्वारा, गैलीलियो ने, कैपलर ने, न्यूटन ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैले ने। याद रखिएगा, नेपच्यून की खोज जो है गैले के द्वारा
किया गया था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है ये आपको बताना है, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी या मंगल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुध। बुध जो है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपको बताना है, शनि, बृहस्पति, मंगल या प्लूटो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है ये आपको बताना है, ध्रुव तारा, धूमकेतु, सूर्य या लुब्धक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य। सूर्य एक प्रकार का तारा ही है जो पृथ्वी के सबसे निकट है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सौर परिवार में क्षुद्र ग्रह पट्टी एक ऐसा क्षेत्र है जो इनकी कक्षाओं के बीच विद्यमान है। आपको बताना है क्षुद्र ग्रह की पट्टी जो है, क्षुद्र ग्रह जो है किन दो ग्रहों के बीच स्थित है, शुक्र और मंगल, मंगल बृहस्पति, शुक्र और पृथ्वी, बृहस्पति और अरुण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंगल और बृहस्पति। क्षुद्र ग्रह का जो पट्टी है वो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच स्थित है। ये सब सवाल याद ही करना पड़ेगा, इसके लिए कोई ये नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हेली का धूमकेतु सूर्य का परिक्रमा करता है, तो आपको बताना है हेली धूमकेतु जो है, हेली नामक धूमकेतु सूर्य का परिक्रमा कितने वर्ष में करता है, 40 वर्ष में, 46 वर्ष में, 60 वर्ष में या 76 वर्ष में। इसका सही आंसर हो जाएगा 76 वर्ष। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा था, 1963 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1969 ईस्वी में। नील अंगस्ट्रम जो थे वो 1969 ईस्वी में पहली बार चांद पर कदम रखा था। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है, इस सवाल का जवाब दीजिए, नीला, लाल, सफ़ेद या काला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काला। काला जो है अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पे प्रकाश का परिकर्णन नहीं होता अंतरिक्ष के बाद। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और प्रकाश का परिकर्णन के कारण ही हम लोग को आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, बुध ग्रह, शुक्र, मंगल या शनि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह के नाम से, रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है, इस सवाल का जवाब दीजिए, 360 दिन में, 364 दिन में, 365.25 दिन में, 24 घंटे में। तो इसका आंसर हो जाएगा 365.25 दिन में। पृथ्वी जो है सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365.25 दिन लगता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU के माइनर प्लैनेट सेंटर ने प्लूटो को कौन सा नाम दिया ये आपको बताना है। जैसे कि आप सब जानते हैं प्लूटो जो है ग्रह के श्रेणी से निकाल दिया गया है, तो इसको जो है क्षुद्र ग्रह के श्रेणी में रखा गया है, तो इसका क्या नाम दिया गया है, 13, 43, 40, 23, 83, 80, ईरिस, निक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13, 43, 40, 13, 43, 40। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह ग्रह का नाम बताना है, चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति या मंगल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीथेन गैस जो है वो, सॉरी, मीथेन गैस जो है वो बृहस्पति ग्रह के इसमें जो है उपस्थित है, 230 का सी नंबर हो जाएगा। मीथेन जो गैस है वो बृहस्पति ग्रह के वायुमंडल में उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है, एक खगोलीय इकाई निम्न में किसके बीच की औसत दूरी है यह आपको बताना है, पृथ्वी और सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, बृहस्पति और सूर्य, प्लूटो और सूर्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी और सूर्य। खगोलीय इकाई उसे बोलेंगे पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय दूरी बोलते हैं। तो जो है इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी और सूर्य। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था यह आपको बताना है, सीबी रमन ने, एच जे भाभा ने, एस चंद्रशेखर ने, एच खुराना ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लैक होल सिद्धांत जो दिया था वो एस चंद्रशेखर जी ने दिया था।
अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाले भौतिक विज्ञान की शाखा को कहते हैं, यह आपको बताना है। एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉटिक्स, एस्ट्रोलॉजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जैसा कि आपको समझ में आ रहा है, भौतिक विज्ञान की शाखा तो फिजिक्स तो होगा ही, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। कॉस्मिक किरणें की खोज किसके द्वारा की गई है? ब्रूनो रोसी के द्वारा, विक्टर हेस के द्वारा, कॉपरनिकस के द्वारा, एडविन हबल के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कॉस्मिक किरण का जो खोज किया था वो विक्टर हेस ने किया था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, रडार का आविष्कारक थे, तो आपको बताना है रडार का आविष्कारक कौन है। रडार का फुल फॉर्म रेडियो डिडक्शन एंड रेंजिंग होता है। जे एच वॉन टेस्ले, विल्हेम केरोंटजन, पी टी फॉर्न सर्वत, रॉबर्ट वाटसन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट वाटसन। रडार का आविष्कार जो किए थे वो रॉबर्ट वाटसन जी ने किए थे। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कारक कौन थे? ये आपको बताना है, एडिसन, न्यूटन, फ्राइडे या नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण नियम का जो प्रतिपादक थे, आविष्कारक थे, वो न्यूटन सर थे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरू हुआ जिन्होंने खोज की थी, हवाई जहाज, टेलीफोन, सेफ्टी लैंप या डायनामाइट। नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है वो अल्फ्रेड नोबेल के नाम से दिया जाता है। तो अल्फ्रेड नोबेल ने क्या खोज किया था? वो डायनामाइट का खोज किया था। इसी कारण से जो है, इसी के नाम पे जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, और अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट के खोज करता है। अगला क्वेश्चन है, टेलीविज़न के आविष्कार किसने किया, ये आपको बताना है। डब्ल्यू रैमजे, रॉबर्ट मैलेज, जे एल बेड जॉनसन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जे एल बेड। जे एल बेड ने जो है टेलीविज़न का आविष्कार किया था। राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया था, ये आपको बताना है। दूरबीन, रेडियो, विमान, उपग्रह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विमान। ये सब क्वेश्चन याद करना ही पड़ेगा, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जो क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट देना होता है हम अवश्य देते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? हॉफकिंस, रॉन्टजन, मार्कोनी या मोर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, एक्सरे का जो आविष्कार किया था वो रॉन्टजन ने किया था। बस आज भर ही इतना ही, 30 क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। आपका पहला काम है कि आपको 30 में से कितने नंबर आए ये कमेंट में आपको करना है। और दूसरा काम, अगर आप चैनल पर नए हैं और वीडियो पसंद आया आपको तो सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक तो कर ही दीजिए और लोगों में शेयर कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।